फोन करो तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेंट स्टार्ट कर लूँ मैं। अच्छा ये बात एक बताओ कि क्या हमने लास्ट क्लास में, क्लियर है सभी को, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? पांडास कर रहे थे। अच्छा पांडाज कर रहे थे, तो पांडाज को ही फिर आगे बढ़ाते हैं ना। ठीक है, ओके डन। सो बेसिकली पांडाज हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे हमने देखा था कि रीड कैसे करते हैं इसको, डेटा को, तो रीड करने के लिए बताया आपको कि आपको कुछ नहीं करता, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और वो फाइल का नाम डॉट csv जो भी है वो आप फाइल के पाथ के साथ दे सर दीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं है। डेटा रीड हो जाएगा। एक सेकंड, शेयर ही नहीं किया है, ध्यान नहीं तो। चलो कोई पांडास तो नहीं, सर आपने इसलिए पढ़ाया था ना क्योंकि हम कुछ और पढ़ने वाले थे फिर शायद। अच्छा चलो पांडाज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है, 2-3 क्लास लगे खत्म होने। ठीक है, तो देखो पांडाज जो है, अब हम देखा कि सपोज यू वांट टू रीड डेटा, सो डेटा रीड करने के लिए बस जस्ट यू हैव टू राइट pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv, और देन आपका जो भी पाथ है पाथ दे दो। और हमने ये देखा था कि जब हम पाथ देते हैं तो पाथ में हम याद रखते हैं कि डॉट csv हो। अच्छा एक चीज है, ओके चलो, तो लेट्स डू दिस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, पांडास। यस देखो पांडास इज लाइक नॉट ओनली फॉर csv फाइल, ऐसा नहीं केवल, अगर एक्सेल फाइल हो तो भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सेल फाइल हो तो भी, एक सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो पांडास, एक सेकंड, तो देखो यार हम बात कर रहे थे पांडास की, तो जैसे हमने रीड करने के लिए मतलब वी कैन रीड csv फाइल, एक्सेल फाइल, पार्क फाइल, एनी फाइल, इफ यू वांट टू रीड इन पांडास वी कैन रीड। पांडास इज सो सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज ये देखा था रीड करना, फिर हमने देखा था कि कैसे हम लोग, जैसे कोई पांडास फाइल है आपके पास, एक पांडास फाइल है, ठीक है, मतलब रीड करने के बाद, और आप चाहते हो कि जैसे कि मान लो ऐसा हुआ रीड करने बाद, ऐसी ऐसी ऐसा कुछ बना, और आपके पास ये कॉलम से, मैं भी इस कॉलम का नाम F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, आप चाहते हो एक ऐसा डेटा फ्रेम जिसमें केवल F1 और F4 हो, तो आप ये भी कर सकते हो। उन्होंने बताया था कि कैसे कर सकते हो, मान लो इसका नाम डेटा होता, नाम डेटा होने का मतलब क्या हुआ, जब रीड किया तो डेटा के नाम से रीड किया, और मैं डेटा 1 में चाहता हूँ केवल F1 और F4, तो मैं लिख सकता हूँ डेटा ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके F1 और F4, याद है ना ये चीज, बताया हुआ, 2 बार लगाओगे तो वो पांडा डेटा फ्रेम बनेगा, 1 बार लगाओगे तो वो तो पांडा डेटा फ्रेम नहीं आएगा, एक्चुअली एक ही लेगा उसका, तो फ्रेम नेम वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया होगा आप लोगों को दो चीज, इसके बाद तीसरा मैंने आईलॉग बताया था, आईलॉग बताया था क्या? तो आईलॉग में मैंने बताया होगा कि इसे आपको लगाना है डेटा डॉट लॉग, ये होता है इसका क्वेरी, और इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, इधर जो होता है वो रो होता है, तो यहाँ पर आप रो के लिए रेंज लिख सकते हैं और यहाँ पे आप कॉलम के लिए रेंज लिख सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे करेंगे तो मान चलेगा टोटल रो, टोटल रो, बट आप चाहे जैसे 2 से लेके 3 तक, तो ऑटोमेटिकली वो 2 से 3 तक, मतलब 0 1 2 3 4, तो 2 से 3 लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 0 1 2 3 0 1 2, केवल यही वाला रो आएगा ना, क्योंकि तो लास्ट तो लेता नहीं है ना, रेंज याद है ना, 2 से 3 मतलब केवल एक बार चलेगा, ठीक है, तो केवल 2 के लिए। फिर ऐसे कॉलम आप देख सकते हो, मान लिखा 4 to 5, सो 4 4 तो है नहीं इसमें, मतलब आपने लिखा 1 से 2 1 से 2 0 1 2, ये मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम, मतलब केवल ये एक डेटा आता है, बात ठीक है, बोलिए यस नो, यस सर, नहीं हो पा रहा क्या यार, क्लियर यस है सर, ना? ठीक यस। है, आप लोग को बोला बोलते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो जैसे इतना तो मैं लास्ट क्लास में बता रखा हूँ, डेटा को रीड करना है सब चीजें, डेटा ये आ गया। सी अगर मैं लिखता हूँ डेटा डॉट हेड,
देखो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पांच रो हमें दिखता है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पांच रो हमें दिखा और पूरा डेटा हमको दिख गया। लेकिन अगर हमने लिख दिया यहाँ पे दो, तो अब केवल दो ही डेटा दिखेगा। देखो जीरो, ठीक है, तो डेटा और हेड करने का मतलब होता है कितना रो आपको दिखेगा, वो बाय डिफॉल्ट फाइव दिखेगा, बट आपने दो पास करें तो दो दिखेगा और चार पास करेंगे तो चार दिखेगा। अब तुम बोल सकते क्या 10 पास कर, तो बिल्कुल करो, 10 10 दिखेगा। तो ये होता है डेटा हेड। एक होता है डेटा डॉट टेल। डेटा डॉट टेल का मतलब है वी आर एबल टू सी फाइव डेटा फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से। देखो नीचे से पांच डेटा है, हेड मतलब ऊपर से, टेल मतलब नीचे से। बट क्या हियर ऑल्सो वी कैन पास? यस वी कैन पास सम, लाइक सपोज आई वॉन्ट टू पास आर्गूमेंट टू, सो नाउ यू विल गेट टू डेटा, राइट? सो सेम एज हेड, टेल विल ऑल्सो वर्क, राइट? इफ यू गेट 10, यू विल गेट 10 डेटा हियर, दैट इज द सेम एक्चुअली, ठीक है? तो ये हो गया हेड और टेल आपका, एंड आई बिलीव यू गाइज आर ओके विद दिस। किसी को डाउट है इसमें, हेड टेल में? एनीवन? नो से यस नो? नहीं ना, आसान है। बाकी लोग यार ठीक है ना, आवाज वाज क्लियर है ना? तो क्लियर है सर, क्लियर है। आंसर ठीक है यार, ओके। अब देखो यार, अब देखो एक चीज होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू काउंट। बताया गया वैल्यू काउंट मतलब होता है कि जैसे कोई भी कैटेगोरिकल डेटा है एंड आई वांट टू से कि उसमें कितने काउंट्स हैं, वैल्यू काउंट, दैट्स कॉल्ड वैल्यू काउंट। जैसे ये मेल मुझे लग रहा है कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल मतलब कि 10 के फॉर्म है। जैसे कोई मेल है, फीमेल, मेल, एज, एज कैटेगोरिकल नहीं हो सकता क्योंकि एज किसी के 30 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन जनरली कैटेगोरिकल हुआ, कोई बीए किया हुआ, कोई बीटेक किया हुआ, कोई एमबीए किया हुआ, कोई 10th पास, इट्स कैटेगोरिकल डेटा, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस डेटा। करेंट स्मोकर अगेन अ कैटेगोरिकल डेटा, क्योंकि सिगरेट वो पूछ रहा है पीता है कि नहीं पीता है, यस या नो। बट यहाँ पे सिगरेट पर डे हो गया, अब बताओ कंटिन्यूअस है कैटेगोरिकल है, कोई बताए? कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस, बिकॉज इट विल चेंज ना, इट विल नॉट अ फिक्स डेटा, राइट? इट्स नॉट अ फिक्स डेटा लाइक 20 एंड 30। सो सुनो क्या नाम है, तो यार ये हो गया आपका टेल। तो टेल में भी सेम आप पास कर सकते हो, जैसे मैंने पास कर 10, तो यू विल गेट 10 डेटा है, देखो दिस इज 10 आल्सो। सो डेटा डॉट हेड विल गिव यू द हेड रिटर्न्स, टेल विल गिव यू द टेल रिटर्न, वेरी सिंपल। मैं कह रहा था कि कैसे हमको, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हमको कभी भी वो आया कि हमारे डेटा में कैटेगोरिकल डेटा है या कंटिन्यूअस डेटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी दैट ऑल्सो हियर, लेट मी राइट दिस। जैसे मैं लिखता हूँ डेटा एंड आई राइट हियर एज, जस्ट राइटिंग डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स, लेट्स सी दिस ऑल्सो, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स। देखो तो देखो एज तो मैंने बोला था एज विल बी कंटिन्यूअस, बट लेट्स टेक मेल हियर, जस्ट रॉन्गली राइट एज, लेट मी राइट मेल, सी दिस। तो मेल लिखा तो 0 के लिए 2420 और 1 के लिए 1820 है, इट मींस दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल हियर एंड दिस इज द नंबर ऑफ मेल। सो जस्ट राइटिंग यूजिंग वैल्यू डॉट काउंट्स वी आर एबल टू चेक हाउ मेनी फीमेल इन दिस डेटा एंड हाउ मेनी मेल इन दिस डेटा। तो मैं आई वांट टू चेक कि हाउ मच करंट इज स्मोकर, लाइक हु इज राइट नाउ टेकिंग सिगरेट एंड हु इज नॉट टेकिंग, हाउ मेनी पीपल आर नॉट टेकिंग सिगरेट, जस्ट राइट करंट इज स्मोकर वैल्यू काउंट। सी ऑलमोस्ट 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक 2100 पीपल आर नॉट टेकिंग सिगरेट एंड 2100 पीपल आर टेकिंग सिगरेट, तो दिस इज ऑलमोस्ट 50-50% वेरिएशन, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग, वी विल सी 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स में भी किसी पर्टिकुलर के लिए 48 हो, 35% डिस्ट्रीब्यूशन हो और 65 हो जाए, उसको बोलते हैं कि हमारा डेटा जो है वो इम्बैलेंस हो गया। एंड इफ योर डेटा इज इम्बैलेंस डेटा, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, उसको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा इम्बैलेंस को, क्योंकि तो मॉडल जो होगा वो सेंसिटिव हो जाएगा जिसके तरफ ज्यादा डेटा होगा, और उसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, वो विल सी दैट रिकॉल एंड एवरीथिंग राइट नाउ, ओके। एनीवे ठीक है, वैल्यू काउंट। Now let's check
ग्रुप बाई, ग्रुप बाई क्या करता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन एसक्यूएल वी विल लर्न इट कि ग्रुप बाई क्या होता है, बट एक बार याद रखो ग्रुप बाई क्या होता है। तो इसे मान लो मेरे पास एक डेटा है, ध्यान से देखिए, मान लो कि मेरे पास ये डेटा है, राइट, ये डेटा है आपके पास, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। एज जो है वो आपका उम्र है, ठीक है, एज एज रेंज लिख देते हैं, एज रेंज, नॉट एज, एज रेंज। तो एज रेंज में मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 10 से 15 साल के बच्चे, फिर लिखा है 20 से 25 साल, फिर वापस रख दिया 10 से 15 साल, मान लो लिखा है 20 से 40, फिर लिखा है 20 से 25, ठीक है, या लिखा है डेट या मंथ लिखा है, मान लो ये जैन है, ये फैब है, मार्च है, ये मई है, जून, ऐसा कुछ डेट लिखा हुआ है, डेट विल चेंज एनी टाइम। एंड सपोज यहाँ पे है, सपोज कि कोई एनर्जी इनटेक है, कितने एनर्जी वो लोग ले रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में, मान लो मैं एक एनर्जी कंपनी, एनर्जी ड्रिंक बनाता हूँ, तो आई वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ द डेटा, सो दिस द डेटा आई हैव, ओके, एनर्जी इनटेक। अब एनर्जी इनटेक में सम वैल्यूज होंगी यहाँ पे, कौन कितना ले रहा है, ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर डेट वाइज, राइट, एवरी डे, मान लो ये रेगुलर डेली का डेटा होता एवरी ईच डे का, एंड ईच डे का हमको इंटेक होता है कि 10 से 15 साल के बच्चे कितने इंटेक ले रहे हैं, 20 से 25 का ले रहे हैं। आई हैव दोज डेटा एंड आई वांट टू एनालाइज एनालाइज द डेटा एंड ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट हम अभी ग्रुप बाई देखना चाह रहे हैं। सो व्हाट इन ग्रुप बाई आई वांट टू चेक कि जो 10 से 15 साल का ग्रुप है, या जो 20 से 25 साल का ग्रुप है, या जो मान लो 25 से 30 साल का ग्रुप है, तीन मेरे पास ग्रुप है, आई वांट टू चेक कि ये लोग टोटल कितना इनटेक लिए हैं, मान लो पूरे 1 ईयर में, ये पूरा 1 ईयर का डेटा है, तो 1 ईयर का डेटा हो गया, अब ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये मेरा इनटेक हो गया, राइट, अब मुझे चेक करना है 1 ईयर का पूरा एक साथ, तो यहाँ पे ग्रुप पे ही लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगाता, देखो मान लो ग्रुप पे यहाँ पर कोड लिखता, अभी देखो हम कैसे लिखते हैं, तो ग्रुप पे लिखता, यहाँ पे ग्रुप पे लिखने में रिजल्ट में क्या आता, यहाँ पे आता एज रेंज। अब एज रेंज में तीन एज रेंज है, तीनों रेंज आता 10 से 15, 20 से 25 और 25, जो भी तीनों रेंज आता है, और तीनों रेंज के सामने टोटल जो आता वो इनटेक आता कि 10 से 15 ग्रुप वाले कितने इनटेक ले रहे हैं, 20 से 30 वाले कितने इनटेक ले रहे हैं, जो भी ये तीनों ग्रुप है, वो कैसे होता, पहले सिलेक्ट करता 10 से 15, जब ये ग्रुप पे लगा रहे तो ऐसे होता 10 से 15 सेलेक्ट हो जाता, 10 से 15, और जो जो इसके इनटेक होंगे वो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर यहाँ चला आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आएगा, 10 से 15 वाले में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला 20 से 25 है, तो 20 से 25 इनटेक सारे ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल टू ऐड दोज इनटेक्स, एंड देन वी विल पुट हियर, राइट, देन वी विल पुट हियर, देन अगेन वी विल गो फॉर 25 टू 30, वी विल ऐड ऑल दोज वैल्यू एंड वी विल पुट इट हियर, राइट। एनीवन एनी डाउट इन दिस जस्ट लेट मी नो, आई बिलीव इट्स वेरी सिंपल, यस करेक्ट, ग्रुप वाइज समझ में आया, विल डू, अभी आप कमाल लिखेंगे इसका, बट क्या इतना आप लोग समझ में आया, हाँ, ओवरऑल एनी वन को लॉजिक समझ, समझ आ गया था कि मतलब हम हाँ क्या लॉजिक समझ करना में चाह आया, रहे हैं। मेन वही है, मेन वही है बस, उसके बाद अभी देखते हैं कैसे होगा, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी एवरीथिंग विल बी सिंपल, सो लेट्स गो टू दिस, चलो करते हैं अपन, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि जितने लोग सिगरेट पर डे के हिसाब से, सिगरेट पर डे यहाँ पे ये करेंट स्मोकर है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो करेंट स्मोकर है वो कितने सिगरेट, चलो चलो देखते हैं एक बार, देख लेते हैं अभी क्वेश्चन, आई वांट टू चेक कि जो स्मोकर है वो कितने सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नाउ लेट्स राइट अ ग्रुप बाई हियर, देखो मैं लिखता हूँ डेटा डॉट ग्रुप बाई, ठीक है, ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई लगाना चाहता हूँ मैं सिगरेट पर डे पे,
मैंने यहाँ पर लिखा सिगरेट विथ फॉर डॉट एग्रीगेशन, और मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ मैं, सॉरी एक्चुअली करेंट स्मोकर पे लगाना था ग्रुप पे, करेंट स्मोकर पे ना वहां पे ना कैटेगरी डेटा है, तो करेंट स्मोकर पे लगाएंगे और सिगरेट पर डे को ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा सिगरेट पर डे, और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो ऐसे, इसको डिफाइन कर दो व्हाट सम। अब इसको रन करो, देखो ये आ गया सम होके, क्या बोल रहा है कि सिगरेट सिगरेट, देखो यहाँ पर आया इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग किसके लिए है, करंट स्मोकर के लिए, तो करंट स्मोकर आ गया, करंट स्मोकर कितने वैल्यू है, दो वैल्यू है, जीरो और वन, तो जीरो वन आ गया, सिगरेट पर डे यहाँ आ गया, सिगरेट पर डे में जब कोई सिगरेट करंट स्मोकर है ही नहीं तो उसकी तो वैल्यू जीरो ही होगी, अगर जितने करंट स्मोकर नहीं होंगे सबका जीरो जीरो ही होगा, ऐड क्या हो गया, अगर जीरो हो गया इसका मतलब ये पता चल गया कि डेटा कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि करंट स्मोकर नहीं है और ऐड भी जीरो आया, इसका मतलब जहां जहां भी करंट स्मोकर नहीं होगा सिगरेट उसका जीरो ही है सिगरेट पर डे, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब वो करंट स्मोकर है नहीं तो उसका सिगरेट पर डे कैसे हो सकता है ना, सिगरेट पी ही नहीं रहा है। अब करंट स्मोकर जहां पे है वहां पे हो रहे होंगे सिगरेट, और इतने आ गए टोटल सिगरेट कितने उस एरिया में बिके होंगे, ठीक है, क्योंकि जो सिगरेट पी रहा वही सिगरेट खरीदा होगा, टोटल इतने सिगरेट कितने खरीद का, तो पता है कि इसी के आसपास सिगरेट बिके होंगे राइट उस एरिया में। एनीवे अगर मैं यहाँ पे लिख दू डॉट रीसेट इंडेक्स, रीसेट अंडर स्कोर इंडेक्स, सो आई कैन रीसेट दिस इंडेक्स, जस्ट सी दिस, देखो अभी क्या है फ्रेम की तरह बन गया, तो मैं इसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकता हूँ इस रिजल्ट को, ये बहुत छोटा रिजल्ट है, ये भी बोल सकते हो कि सर इसको क्यों करेंगे तो वो छोटा है, बट इन द लॉन्ग रन इन द रियल वर्क ये बहुत बड़े बड़े बनते हैं रिजल्ट, तो हम उसको एक्सेल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो मैं जानना चाहता हूँ एक चीज कि यार जैसे करंट स्मोकर अगर है वो, उसके बाद पता तो पता करता हूँ कि वो मेल या फीमेल कितने कितने सिगरेट ले रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा करंट स्मोकर पहले पता कर लिया, उसके बाद इसी में ना मैं कॉमा डाल के डाल देता हूँ मेल, तो मेल और फीमेल पे भी ग्रुप वाइज हो जाएगा, देखो इधर पहले करंट स्मोकर मिला 0 0 फिर 1 1, तो ये 0 0, अब 0 0 के लिए भी मेल फीमेल बनेंगे, बट तो चूंकि उसका नो सिगरेट करंट स्मोकर है तो सिगरेट पर डे 0 0 रहा, जब करंट स्मोकर है कि वो सिगरेट लेता है, और अगर वो फीमेल है जो कितनी ले रही है 13,780 के आसपास सिगरेट ले रही है, अगर वो मेल है तो वो 24,144 के आसपास सिगरेट ले रहा है, देखो कितना इजीली हमने इस पूरे डेटा को ब्रेक कर दिया ना, आइडिया लग गया हमको, अच्छा भाई हमको टोटल सिगरेट जो बिक रहे हैं वो इतने के आसपास बिक रहे हैं, इतने में से फीमेल का इंटेक क्या है, मेल का इंटेक क्या है, मुझे एक आइडिया रफली लगने लगा, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं कुछ और चेक करता हूँ, जो सिगरेट पर डे वाले लोग हैं और जो नहीं पी रहे, क्या इनके हार्ट रेट में डिफरेंस है, आओ चेक करते हैं क्या इनके हार्ट रेट में डिफरेंस है, लेट्स ट्राई टू सी दिस, तो हमने कहा हाँ आओ चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं ना, आ गया यहाँ है, तो इसको हम चेक, ठीक है, तो आओ चेक करते हैं इसको कि क्या उनके हार्ट रेट में कुछ इम्पैक्ट है, तो आओ लेट्स रन इट, ये गलती मैंने किया, मुझे उसकी वैल्यू चेक करनी है, मैंने यहाँ पर डालना चाहिए था, मेरे तो वैल्यू चेक करना है तो इधर डालते हैं ना कि हार्ट रेट कितना है, और हार्ट रेट का ना मैक्सिमम नहीं निकाल के उसका एवरेज निकालते हैं, हार्ट रेट का राइट, हार्ट रेट का एवरेज कितना, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन करें, नेक्स्ट मीन देखते हैं क्या होता है, चलो आ गया, तो ये हो गया हार्ट रेट का एवरेज, तो एवरेज हार्ट रेट लग जाएगा हमें पता, देखो ये करेंट स्मोकर नहीं है ये भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर चेक करें ना यहाँ पे, तो हार्ट रेट ये है और यहाँ पे ये क्या कुछ चेंजेस तुम्हें दिख रहे हैं, लेट्स सी, पहले हम ना मेल का देखते हैं फिर फीमेल का देखेंगे, पहले मेल का देखते हैं, मेल देखो जब करेंट स्मोकर नहीं है तो ये मेल हो गया, जब है तो ये है, 72 है और 75 है, इसका मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है जो लोग सिगरेट ले रहे हैं मेल के लिए, लेट्स ट्राई टू फीमेल,
इन केस फीमेल 76 एंड 77, सो इन केस द फीमेल ऑल्सो हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड। ये हम किस बात पे बोल रहे हैं, इस डेटा के आधार पे बोल रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्सल हो या ना हो हमें नहीं पता। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है डेटा किसी पर्टिकुलर एरिया का हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो, हमें नहीं पता। तो हम किसी भी बात पे पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकते, राइट। जहाँ की बात करें उसी की बात करेंगे, तो हम बात करें इस डेटा के बारे में और यहाँ के जहाँ भी का है लोकेशन, जिस कम्युनिटी का हो, तो उसके आधार में हम बोल सकते हैं कि एक तुम्हें और रिजल्ट देख सकते हो। एवरेज जो है, एवरेज चाहे वो सिगरेट लेता हो या ना लेता हो, मेल का हार्ट रेट ना फीमेल से, देखो फीमेल से कुछ इंपैक्ट दिख रहा है क्या? अगर वो सिगरेट लेता है 70 से 77 है, ठीक है, 72 से 75, राइट। देखो एवरेज जो वो सिगरेट ले या ना ले, मेल का जो हार्ट रेट है वो फीमेल से ज्यादा है। ये एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई डेटा को देख के। एज अ डेटा एनालिस्ट दिस इज योर टास्क टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प टू जनरेट बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे एक हमको देख के आइडिया लग रहा है यार, अच्छा ऐसा भी है ना, कि देर आर सम पीपल उनका हार्ट रेट जो है, मतलब देर नहीं, एवरी लाइक एवरेज है ना, एवरेज से ही तो आइडिया लगा सकते हैं। एवरेज केस में हमको ये दिख रहा है कि जो मेल है उनका हार्ट रेट फीमेल से ज्यादा है। आउटलायर होगा तो वो चेक कर लेंगे एक बार, बट अभी तो यही लग रहा है, राइट। और मेल का कम लग रहा है सर। हाँ मतलब मेल का, सॉरी मेल का कम वर्जन, नहीं कम है, ज्यादा है मेल का, ज्यादा है। मेल के नीचे जहाँ 1 है वहाँ कम है, मेल के नीचे 1 है दैट मींस कि ये मेल है राइट। अगर मेल के नीचे 0 है दैट मींस कि वो हाँ मेल सही कह, नहीं है। रुको, हाँ बिल्कुल, एक बार रुको, ये 72 देखो ये मेल है ना, ये हाँ यार मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ एक बटो को, है ना, इसको ही मेल फीमेल सोच के कंपेयर कर रहा हूँ। मेल का मेल तो ये है ना, मेल फीमेल, एक मिनट रुको, ये तुम्हारी फीमेल है, ठीक है, ये मेल है, राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। देखो इधर पहले स्मोकिंग का कंपेयर करो, स्मोक जो कर रहा है उस, अगर लेडीज हो या जेंट्स हो, ये फीमेल का है ना हार्ट रेट, और अभी फीमेल का हार्ट रेट है तो, और ये मेल का है और ये मेल का है, तो ये क्लियर हो गया कि जो भी सिगरेट पी रहा है उसका हार्ट रेट बढ़ गया है, चाहे मेल हो फीमेल हो। दूसरा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इसको फील में से कंपेयर कर रहा था, दूसरा यू आर राइट कि हर केस में चाहे वो सिगरेट पिए ना पिए, फीमेल का हार्ट रेट मेल से ज्यादा है, राइट। क्योंकि अगर सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो इसका 70 कम है ना यार, मेल के ज्यादा है ना, नहीं, ये 76 हार्ट रेट है, ये फीमेल का है, फिर राइट 72 राइट, तो मेल देखो का। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो 72 इज फॉर मेल, 76 फॉर फीमेल, इधर अगेन 70, तो फीमेल का ज्यादा है, राइट, है ना। हाँ तो देखो दो कंक्लूजन मिला, एक तो ये मिला कि जब भी सिगरेट कोई ले रहा है उसका हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और जनरली हमने पाया कि फीमेल का हार्ट रेट मेल से ज्यादा है। अब इसका कोई सेंस बनेगा नहीं बना, वी डोंट नो, हम तो डेटा इंफर कर रहे हैं, राइट। अभी जो नहीं, जो आप जो भी इन्फॉर्मेशन निकालो हर चीज यूज खोलो, उसके बाद भी उसको बहुत सारा ब्रेक चेक करते हैं कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टी टेस्ट एंड जी टेस्ट ना, टेस्ट होते स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्यों करते हैं, वही तो पता लगाने के, हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं सोच रहे हैं, राइट। तो उसका सपोर्ट मिल जाता है, बट वो अलग बात है। अभी तो फिलहाल हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो सिगरेट पी रहा है उसका हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, ठीक बात है, ये तो क्लियर कर यस देता है ना, सर, यस सर। कि चाहे वो मेल हो फीमेल है, इफ इज टेकिंग सिगरेट डेफिनेटली हर इज जो है जो हार्ट रेट है दैट इज इंक्रीजिंग, दिस 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 पॉइंट वेयर हमको साफ दिख रहा है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट, ओके दैट इज गुड, ओके। नाउ सी, देखो एक कुछ ना पांडास में वी कैन डू क्वेरी आल्सो, ओके। क्वेरी मतलब कि आप एसक्यूएल क्वेरी भी लिख सकते हैं, वो पूरी क्वेरी तब बताऊंगा जब एसक्यूएल पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे आप एसक्यूएल को कनेक्ट करें पांडा से, पाइसपार्क से, डक डीबी से, फिर मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा कैसे हम पीजी एडमिन या फिर जो है उसको अपने पाइथन से कनेक्ट करें, दैट इज जो हम लोग
वो एसपीएल पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे, तो वो अलग स्टोरी है। बट अभी जैसे हम पांडास के अंदर सिंपल कुछ लिखना चाह रहे हैं ना क्वेरी, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो बिकॉज बिफोर दिस लेट मी वन थिंग ऑल्सो फ्रॉम सीरीज। देखो मान लो आप लिखा है डेटा, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से डेटा निकालूं जिसका जो केवल मेल हो, फीमेल नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट ओनली मेल डेटा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डेटा, और मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, ये भी एक तरीका है। देखो पहले इसको भी अच्छी तरीका, अच्छा तरीका है ये। मेल इक्वल टू वन, सॉरी, और ठीक है इसको रन कर। देखो अभी देखोगे ना तो ये केवल और केवल मेल के लिए डेटा है। तो मैंने क्या किया दादा, देखो इस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक क्वेरी पास करी। क्या क्वेरी बोल रही है? क्वेरी बोल रही है डेटा मेल केवल वन के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू वन। तो अगर मैं इसको डेटा वन में सेव कर लूँ, कुछ नाम रख लेते हैं इसका नाम, मान लो इसका नाम होता है डेटा वन और इक्वल टू कर दो, तो बेसिकली जो डेटा वन अब जो बना उसमें मेल विल बी ओनली वन सीरीज, मतलब वन मतलब केवल मेल का डेटा आ गया। नाउ वी हैव ओनली मेल डेटा, ठीक है। तो हम चाहे तो जो भी, से मैं सपोज आई वांट कि आई नीड मेल हो गया, आई ऑल्सो नीड कि वो करेंट स्मोकर हो। तो अब मैं डेटा वन है इस पे लगा लेता हूँ, तो डेटा वन पे लिखता हूँ डेटा वन करेंट स्मोकर इक्वल टू वन। अब मेरे पास ये डेटा में जो है वो करेंट स्मोकर केवल वन होगा, मैं इसको फिर टू में सेव कर लेता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ, अगर मैं डेटा टू करूँ, डेटा टू करूँ तो डेटा टू में मेल वन होना चाहिए और करेंट स्मोकर वन, और इसको चेक कर सकते हैं वैल्यू काउंट से। ये देखो इधर करें अगर डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स, तो जो भी उसके अंदर यूनिक होगा आ जाएगा, जो केवल वन आया, जीरो गैप है, क्योंकि हमने हमने फिल्टर कर दिया था डेटा को यहाँ पे, राइट। यहाँ हमने फिल्टर कर दिया, हम बोल रहे हैं कि वी नीड ओनली दैट डेटा वेयर मेल इज वन, ठीक है। मतलब कि केवल अब डेटा वही आया जिसमें मेल वन है, ठीक है। करेंट स्मोकर वन कर दिया, तो दैट टाइम यू ओनली गेट डेटा जिसमें करेंट स्मोकर है। मतलब ये जो डेटा हमारा ब्रेक होके आया वो ऐसा आया कि केवल मेल है, ऑलमोस्ट एग्रीड लेते हैं, ये हमारा डेटा टू बना है। लेट मी राइट दिस, देखो यार, ठीक है। बट इसका एक और बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, बहुत ही इस समय बहुत ही